हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका शर्मा रेसिपीज़। दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और चटपटी टमाटर की चटनी। और इस चटनी को अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो एक की जगह चार चार रोटी खा जाएंगे और सब्जी तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं बड़े साइज के चार फ्रेश टमाटर। टमाटर को अच्छे से धो लेंगे और साथ ही मैंने ली है तीन से चार तीखी वाली हरी मिर्च और एक लहसुन की गांठ। सबसे पहले अब हम टमाटर और लहसुन को भून लेंगे क्योंकि ऐसा करने से चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। टमाटर को भूनने के लिए यहाँ मैंने एक स्टैंड लिया है, उसे गैस पर इस प्रकार से लगा लेंगे। और अभी मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है और तीन से चार टमाटर स्टैंड पर रख देंगे और साइड में रखेंगे लहसुन की गांठ और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें धीरे धीरे भूनने देंगे। टमाटर बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाता है तो हम इसे थोड़ा थोड़ा अलट पलट करते रहेंगे। जैसे जैसे टमाटर भुनने लगेगा तो वो एकदम ब्लैक हो जाएगा, देखिए बिल्कुल इस तरह से। और जो ये लहसुन की गांठ है इसे भी हम अलट पलट करते हुए भून लेंगे। टमाटर जब भुन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए टमाटर काफी अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके किसी प्लेट में निकाल लेंगे। आप यहाँ टमाटर को ठंडा करके भी इसका छिलका उतार सकते हैं। यदि आपको गरम गरम टमाटर का छिलका उतारना है तो इस तरह से एक बाउल में पानी लेंगे और फटाफट से इसका छिलका उतार देंगे और टमाटर का छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और बिल्कुल इसी तरह से जितने टमाटर हमने लिए हैं सबका छिलका उतार कर टमाटर को तैयार कर लेंगे। और भुने हुए टमाटर और लहसुन की जो ये चटनी बनने वाली है बहुत ही टेस्टी बनेगी। और जो ये ऊपर का डंठल है इसे हम चाकू से निकाल देंगे। और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से सभी टमाटर तैयार कर लेंगे। तो आइए अब हम लहसुन का छिलका भी उतार लेंगे। तो भुनने से जो ये लहसुन है काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और इसे भी छिलका उतारने में बहुत ही आसानी रहेगी। और ये देखिए फटाफट से छिलका बड़ी आसानी से उतर जाएगा। इसी तरह से जितना लहसुन हमने लिया है सबका छिलका हम उतार लेंगे। चटनी बनाने के लिए टमाटर और लहसुन बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैंने ली है दो मीडियम साइज की प्याज, इन्हें भी हम रफली कट कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ प्याज को ग्राइंड करना है। तो आप इसे किसी भी शेप में रफली कट कर सकते हैं। चटनी को तीखा और चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है तीन से चार तीखी वाली हरी मिर्च, इन्हें भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो आइए चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन। आप यहाँ चटनी को खलबट्टे में भी बना सकते हैं। हम यहाँ टमाटर को बाद में यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ टमाटर को ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का एक फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, आप इन्हें काट कर भी इसमें डाल सकते हैं या फिर आप इन्हें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हमें यहाँ टमाटर का फाइन पेस्ट नहीं बनाना है तो मिक्सी को हम पल्स मोड पर ही एक से दो बार घुमा लेंगे। तो ये देखिए चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आइए अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक फ्राई पैन और उसमें डालेंगे एक चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच राई के दाने, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक से दो चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और इन्हें थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को हमें यहाँ मीडियम रखना है। मसालों का हल्का सा कलर आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चटनी जो अभी हमने बनाकर तैयार की थी और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को स्टेज पर हम बंद कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच गरम मसाला। इससे जो चटनी है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। और एक बार सभी मसालों को चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और ये देखिए चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ी गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे धनिया पत्ती
और इसी के साथ ये लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही टेस्टी और चटपटी टमाटर की चटनी। और इस चटनी को आप पराठे, चपाती या किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनकर तैयार होती है। और ये चटनी इतनी टेस्टी बनेगी, आप बिना भूख के ही 4 रोटी खा जाएंगे और सब्जी को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।